जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन शनिवार को सदर तहसील के सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने किया। इस दौरान एसडीएम सदर ने तहसील दिवस में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। गौरतलब है कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक महीने के पहले व तीसरे शनिवार को प्रत्येक तहसील में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण किया जाता है। सदर तहसील में आयोजित समाधान दिवस में एसडीएम सदर के अलावा सहायक पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी, नायब तहसीलदार वशिष्ठ नारायण वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में नायब तहसीलदार वशिष्ठ नारायण वर्मा ने बताया कि आज ज्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए हैं, जिसमें से कुछ मामले न्यायालयों में विचाराधीन चल रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नायब तहसीलदार वशिष्ठ नारायण वर्मा ने कहा, पोर्टल है प्लान, आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपका एक मोबाइल नंबर और ओटीपी रजिस्टर करना पड़ेगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी आप रजिस्टर करेंगे तो पूरा खुल जाता है और उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया हुआ है। तो जो लोग शिफ्टिंग करना है, जैसे दूसरे विधानसभा में है और यहाँ गोरखपुर में जो लोग आप निवास कर रहे हैं, ये सारे लोग अपना मतदाता सूची का नाम यहाँ से करवा लें। और जितनी भी महिलाएं आपके यहाँ है, आपकी वाइफ है, बच्ची है, जो कि 18 साल से ज्यादा हो गई है, उसको यहाँ पे वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से रजिस्टर करवा लें। वोटर हेल्पलाइन ये आपने भाग संख्या 233 में एक थाना पे आपने लिखा है, तहसील दिवस में 102 मामले जिसमें से 15 मामले ऑन स्पॉट डिस्चार्ज हुए। मैक्सिमम यहाँ पे जो समस्याएं आई हैं वो भूमि विवाद से संबंधित है, पैमाइश से संबंधित है। तो लोगों को ज़्यादातर ये निर्देशित किया गया है कि आप संबंधित धारा 24 में पैमाइश करा दें और सारे में जो भी यहाँ होने वाली चीज़ें हैं टीम बना के भेज जा रही हैं और यथा से इसका निस्तारण कर दिया जाए।